वहशीपन और दरिंदगी की सारी हदें पार करके 2.5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारा गया। बताया जाता है कि 30 मई को 2.5 साल की बच्ची को लालच देकर के उसको अपहरण किया गया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जैसे कि पुलिस से जानकारी मिली है और आसपास से जानकारी मिली है कि जब लाश ठिकाने नहीं लगा पाया वो आरोपी, तो उसने ये जो कूड़े का ढेर है, ये कूड़े के ढेर के पास जो थोड़ी ऊंची सी जगह दिखाई दे रही है वहाँ उसको फेंक दिया। और जब गांव वालों को जब ये पता चला, डेड बॉडी मिली, तो इतनी बुरी स्थिति में थी, क्षत विक्षत स्थिति में, आंखें निकली हुई थी, शरीर अंग भंग हुआ था, ऐसी स्थिति में 2.5 साल की मासूम बच्ची की लाश मिली। बता दें कि ये जो जगह है इसके ठीक उस पार से उसको किडनैप किया गया था और ठीक इसके सामने, ये सामने दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये उन आरोपियों का घर है जहाँ से ये अब ये फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, इन्होंने ही अपहरण किया था, जैसा कि पुलिस बता रही है अपनी जांच में कि इन्होंने अपहरण किया था। जिन लोगों ने यहाँ पे बच्ची को देखा, कुछ लोग गांव के हैं, उनसे बात करते हैं, क्या स्थिति थी, मतलब कैसे पता चला कि ये वही बच्ची है और इसका शव यहाँ पे था। ऐसा ये सुबह सुबह, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पंकज कुमार है। यहाँ पर जब 2 तारीख को जब यहाँ इधर कूड़ा डालने के लिए जो भंगन आती है, उसने उसको देखा जब इधर उस लड़की बच्ची से, कुत्ते जो उसके लग रहे थे उसमें महक तो आ गई क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे उस लड़की को, तो जब उसका सब यहाँ देखा भंगन ने, तो भंगन उसको उनके परिवार वालों को, भंगन ने उनको रिपोर्ट दी। उसके बाद जब गांव वाले इकट्ठे हो, उसको पहचान लिया था उसने कि वो बच्ची का, हाँ लड़की को पहचान तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी जो उसने कपड़े पहने थे उसके कच्छे से उस लड़की की पहचान की थी बच्ची की। बाकी वैसे तो उसका कोई इतना भयानक सीन था कि कोई देखने वाला भी दिल दहल जाए, ऐसा सीन उस लड़की के साथ किया था। बहुत वजह क्या थी, गांव में आसपास के लोग रहने वाले इस तरह की वारदात कैसे कर दी, क्या कोई झगड़ा था या रंजिश थी? इनका झगड़ा था, पैसों का कोई झगड़ा था इनका आपस का, तो कुछ पैसे तो दे दिए थे, कुछ पैसों के लिए उन्होंने कहा था, तो उसने धमकी दी थी 4 दिन की कि 4 दिन पीछे आपको अंजाम मिल जाएगा। कुछ जानकारी है कि जब ये लोग, जब बच्ची गायब हुई थी तो तुरंत पुलिस में गए थे, सुना कि पुलिस ने भी ठीक कार्रवाई नहीं की शुरू में? हाँ हाँ सर, 30 तारीख को इन्होंने कंप्लेंट की थी, जब 30 तारीख को लड़की किडनैप हुई थी तो उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। और गाँव वालों ने फिर इकट्ठे होकर ढूंढा मचाया, माइकों पर ले लेकर गाँव गाँव जाकर लड़की का यानी मुँह कराया था, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं पड़ी। तो 31 तारीख को फिर दोबारा FIR की थी, उसके बाद पुलिस ने जब एक्शन लिया तो एक्शन लेने के बाद भी इतना कोई सुराग नहीं मिला। जब लड़की की डेड बॉडी 2 तारीख को यहाँ पर मिली थी, उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो पहले दिन ही क्या शक हो गया था कि इसी ने किया था? शक तो इतना शक नहीं था क्योंकि बात तो 5,000 रुपए की थी, 40,000 थे, 35,000 इनको दे चुके थे वो, लेकिन 5,000 के पीछे इतना बड़ा कांड कर देंगे, इतना इनको इतना वो नहीं था। लेकिन क्या बता रहे हो आप, शक नहीं, तब इनको हो गया था कि बॉडी मिली थी ना यहाँ पे, अच्छा तब जाके शक हुआ है। पहले इन पे शक नहीं था क्योंकि झगड़ा तो इन्हीं से था, शक होना चाहिए था। नहीं, पहले कोई शक नहीं था, पहले वो चारों तरफ घूम रहे थे, माइक में आवाज लगा के मोटरसाइकिल पे रख के घूम रहे थे लेके बेचारे के, और कहीं भी लड़की नहीं मिली। जब यहाँ लड़की मिली है तब शक हुआ है उन्हें। जाहिर सी बात है कि जितनी जघन्य घटना इस 2.5 साल की बच्ची के साथ हुई और आरोपी भी इसी गांव का, घर के आसपास का ही था, फौरन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि फौरन पुलिस को भी सूचना दे दी गई और गांव वाले लगातार पुलिस को ये बात कहते रहे, लेकिन जो पुलिस का रवैया था वो सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ने वाला निकला, क्योंकि पुलिस ने पहली बार तुरंत कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना मामला गंभीर था, और उसका नतीजा ये हुआ कि परिवार 2.5 साल की बच्ची को खो दिया और इतनी जघन्य तरीके से उसकी हत्या की गई कि जो भी सुन रहा है उसका दिल दहल जा रहा है। और हालांकि अब बाद में कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस वालों को निलंबित किया गया, तो पुलिस प्रशासन अपने आप में इस बात को स्वीकार करती है कि सिस्टम ने गड़बड़ी की और उसको सजा दी गई, लेकिन अगर ये काम पहले हो गया होता, पहले ही उसको गंभीरता से ले ली होती पुलिस, तो शायद ये दिन न देखना पड़ता परिवार को। पीड़ित परिवार के ठीक बगल में ही गली की दूसरी तरफ जाहिद और असलम नाम के 2 आरोपियों का घर है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इसमें बड़ी साजिश और भी है, पुलिस उसका पता लगा रही है, SIT वगैरह गठित कर दी गई है। लेकिन जाहिद और असलम के बारे में पूरे गांव वालों के से अगर जो बात की जाए, बात की गई, तो वो उनके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं। वो बताते हैं कि पहले से भी उन पर कई केसेस चल रहे हैं और
अब इस घर में फिलहाल कोई नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तार किया कर लिया दोनों लोगों को, बाकी लोग जो हैं घर से फरार हैं, कुछ गांव के लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी विनीत कुमार। विनीत, तो जाहिद और असलम मतलब क्या करते हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या ये किस मानसिकता के हैं, कुछ आप लोगों को पहले गाँव में हो तो पहले मालूम चलता ही होगा कैसे लोग हैं? ये मिस्त्री थे जी, और मतलब पहले से ही इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा, जो असलम जो है उसने तो अपनी लड़की के साथ में बहुत गलत काम कर दिए थे, और ये ऐसे ही काम करते साले इधर उधर डोलते रहते हैं, और कुछ नहीं है ये तो इनके बारे में जब इतने मालूम था कि पूरे पहले भी केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो ये कैसे गांव में रहते, क्या था, पुलिस इनको पकड़ती नहीं थी? नहीं सर, पुलिस पकड़ती तो थी, केस भी इन पे हुआ था, जेल से भी इन छूट कर आया था सर, ये इसको हो गए समथिंग कोई 6 महीने से हो गए, उसके मुझसे पहले जेल से ही आया था छूट के, फिर उसके बाद ये अपना इसने ट्रैक्टर वैक्टर का खेती बाड़ी करता था, इसी जाहिद अपना ये मिस्त्री का काम करता था। ये दोनों भाई हैं? भाई नहीं है सर, ये दोस्त हैं, मित्र हैं। ये जाहिद का घर है और इससे परली तरफ थोड़ा असलम का घर पड़ता है। ये दो मित्र थे आपस में, जो भी करते होंगे घटना जो भी है वो साथ करते थे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि अब ये जो घटना की है इसमें ये दोनों ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जाहिद और असलम जो दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, पुराने भी कई केसेस हैं, तो उस लिहाज से पुलिस ने दो लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जैसा कि परिवार का आरोप है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। बाकायदा आप पुलिस ये कह रही है कि वो आगे कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीधा सीधा सवाल अगर पुलिस पे ये खड़ा होता है कि अगर पहले दिन ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया होता, शायद ये दिन आज परिवार को न देखना पड़ता।